छपरा में एक महिला के साथ छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सारण पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए 6 लोगों की पहचान कर ली गई। दरअसल पिछले दिनों महिला के साथ छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सारण के SP संतोष कुमार ने साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट की विशेष टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। महिला से छेड़छाड़ का वायरल हो रही वीडियो की पहचान कर ली गई है। ये वीडियो सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला से छेड़छाड़ करने की घटना में आधा दर्जन युवक शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक वीडियो जो है कल तेजी से वायरल होते हुए और कई लोगों के द्वारा इसको सोशल मीडिया पर भी और ट्विटर वगैरह पर भी शेयर किया जा रहा था, तो इसी क्रम में ये वायरल वीडियो हम लोगों के पास भी प्राप्त हुआ अपराह्न में। ये वायरल वीडियो हमें सोशल मीडिया और कई मीडिया कर्मियों के माध्यम से और पुलिस मुख्यालय के माध्यम से भी व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया गया, इसके सत्यापन के लिए पूरे बिहार के ग्रुप पर डाला गया था। और इसमें जब मैंने देखा तो उसमें कई कई जगह पर छपरा सारण जिला लिखा हुआ पाया गया था, तो हम लोग इसको त्वरित इसमें कार्रवाई करते हुए टीम गठित की गई और हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट है उसको भी एक्टिवेट करके उनको भी ये कार्य सौंपा गया। और हम लोगों ने तकनीकी विश्लेषण में ये पाया कि उसमें एक मोटरसाइकिल है जिसका नंबर हम लोगों ने किसी तरह से उसमें से निकाला और उससे पहचान भी कि वो मोटरसाइकिल दरियापुर का है। तत्पश्चात हम लोगों ने दरियापुर थाना को एक्टिवेट किया और SDPO सोनपुर के नेतृत्व में उन वहाँ पर भी एक अलग टीम गठित कर दी और हम स्वयं भी वहाँ पर पहुँच गए और हम लोगों ने शिनाख्त करनी शुरू की। वीडियो हम लोगों ने स्थानीय लोगों को भी दिखाया और मोटरसाइकिल जो चालक थे उनसे भी बातचीत की, तो वो राहगीर थे जो उन्होंने उस पर उनको एक तरह से उनको वहाँ से रेस्क्यू किया था, तो वो उसको जानते नहीं थे लेकिन उन्होंने घटनास्थल हमें बताया। घटनास्थल जो इसका है, घटनास्थल मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। ये लक्ष्मण चक जो है चौर है वो दरियापुर थाना अंतर्गत, उसी जगह की ये घटना है और ये घटना 27 तारीख की बताई गई, 27 सितंबर की। वहाँ स्थानीय लोगों को दिखाने पर उस वीडियो में जो लोग थे वो पहचान में आए और उसमें कुल मिलाकर के 6 लड़के शामिल थे। 6 की पहचान कर ली गई और ये 8 घंटे के अंदर हम लोगों ने 6 अभियुक्तों की पहचान करते हुए उसमें से 4 को गिरफ्तार भी कर लिया, इसमें से 2 अन्य जो है उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। SP संतोष कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो में दिख रही पीड़ित महिला की पहचान नहीं हो सकी है और पीड़िता और उसके परिजनों के द्वारा सारण जिले के किसी भी थाने में इस संबंध में कोई शिकायत नहीं कराई गई। पीड़िता की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि महिला जो है वो किसी पुरुष के साथ, किसी व्यक्ति के साथ वहाँ पर गई थी, 2 लड़के थे और एक महिला थी मोटरसाइकिल से, तो ये लड़के जो 6 लड़के थे ये 2 मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचे थे, तो इन्होंने स्पॉट किया उस चीज़ को और ये लोग उनको वहाँ से खींच करके लाए थे और उसके साथ मारपीट करना चाह रहे थे। इसी बीच में जो लड़का एक दूसरा था उस जो मोटरसाइकिल लेकर के गया था उसमें से एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर भाग गया, तो एक लड़का और एक महिला वहाँ पर बच गई, तो उसके साथ मारपीट ये लोग करने लगे और छेड़खानी करने लगे। इसी बीच एक राहगीर आया वहाँ पर जिससे वो हेल्प मांगी और उसने उसको एक तरह से लिफ्ट दिया बैठने के लिए और उस क्रम में भी इन्होंने छेड़खानी उसके साथ की है, जो कि वीडियो में वायरल दिख रहा है। तो मामला इसी प्रकार का है और इन लोगों ने उसके साथ मारपीट और छेड़खानी की घटना की, एक शर्मसार करने वाली घटना भी थी और एक पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कुकृत्य इन लोगों के द्वारा किया गया है, जो कि विकृत रूप में सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, उसका वीडियो भी बनाया गया। इसमें सभी शामिल लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो कि यहाँ पर उल्लेखित है और जिन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उसमें राकेश कुमार, अरविंद, नीतीश कुमार और अमोद कुमार, ये 4 जो है इसमें से 2 अकीलपुर गांव है वहाँ पर दरियापुर थाना अंतर्गत उससे है और 2 जो है सामनचक गांव है वहाँ का है। इसके अतिरिक्त जो 2 बचा हुआ है वो भी अकीलपुर गाँव का है। तो सभी जगह छापामारी की गई और इन लोगों की गिरफ्तारी कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 अन्य अभियुक्तों की पहचान की गई है। दरियापुर थाना क्षेत्र के अखिलपुर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार और गुड्डू राय शामिल हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पंजाब केसरी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट।